नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन और देसी बुलेट ट्रेन के बारे में। देश में जब बीजेपी की सरकार बनी तो इसने देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था है कि हम इस तरह की ट्रेनों को चला सकते हैं। जवाब में बीजेपी ने भी अपने तर्क दिए और बुलेट ट्रेन चलाने का एक पूरा खाका सदन के सामने पेश किया। हालांकि उस समय एक उदाहरण भी दिया गया था जिसमें न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में जो दूरी है वो 8 घंटे की हो गई और उसे महज 3 घंटे में पूरी करने की बात कही गई थी। लेकिन बाद के दिनों में यह एहसास हुआ कि यह परियोजना सफल नहीं हो सकती और उसे बंद कर दिया गया। तमाम विरोध के बाद देश में बुलेट ट्रेन की परिकल्पना भी की गई और देश के रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 90% जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि देश में बुलेट परियोजना में हर महीने 8 किलोमीटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण में हुई देरी की वजह से ट्रेन परिचालन में देरी हो रही है। हालांकि भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन को टक्कर देने वाली एक देसी ट्रेन का भी निर्माण किया है जो कि एक मामले में बुलेट ट्रेन से भी आगे निकल गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2015 में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही जिसमें 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही थी। आज जब इसकी शुरुआत के 7 साल हो गए हैं तब इसकी स्थिति यह है कि 1396 हेक्टेयर भूमि में से 1248 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। बताया तो यह भी जा रहा है कि गुजरात में 99% से भी अधिक और महाराष्ट्र में 85% से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके बाद वन विभाग से भी इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। भारत में जो बुलेट ट्रेन चलानी है वह जापान में बनाई जाती है। बता दें कि इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी यानी कि पटरियों पे दौड़ेगी। जब बुलेट ट्रेन के रफ्तार की बात हो ही रही है तो देश में निर्मित बुलेट ट्रेन के रफ्तार की भी बात कर ही ली जाए। इन दिनों देश में देसी बुलेट ट्रेन की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि इस ट्रेन के परिचालन से अहमदाबाद और मुंबई के बीच में सफ़र जो है 6 घंटे में पूरा हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने के मामले में बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ दिया है। इस ट्रेन के बारे में यह बताया जा रहा है कि यह ट्रेन महज 52 सेकेंड में 100 की रफ्तार पकड़ सकती है जबकि बुलेट ट्रेन की इतनी रफ्तार पकड़ने में 54 सेकेंड का भी समय लगता है। नई भारत वंदे ट्रेन का तीसरा परीक्षण पूरा हुआ जिसमें 0 से 100 तक की रफ्तार पकड़ने में ट्रेन को 52 सेकंड लगता है जबकि बुलेट ट्रेन की रफ्तार को यह हासिल करने में 54.6 सेकंड का समय लगता है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इस नई ट्रेन का अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी जबकि पुराने वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गई है। बता दें कि यह भी बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में सिर्फ 2 स्टेशनों यानी कि सूरत और बड़ोदरा के बीच में रुकेगी। तो एक तरह से कहें कि जिस परिकल्पना की बात बीजेपी अपने शुरुआती समय में कही थी कि हम देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे और वो भी 300 से ज़्यादा की रफ्तार से, इसी ट्रेन की परिकल्पना के साथ एक देसी बुलेट ट्रेन की परिकल्पना की गई जिसे का नाम है वंदे भारत ट्रेन और वो भी जो है अब पटरियों पर दौड़ने लगा है। लेकिन उसकी रफ्तार जो है अभी की जो गति है यानी कि तीसरे परीक्षण के बाद 180 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। इसके पहले की अगर हम बात कर लें तो वंदे भारत की जो ट्रेन की जो रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। लेकिन यह जो वंदे भारत ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ने की जो है यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह 52 सेकंड में पकड़ लेती है देसी बुलेट ट्रेन। जबकि अभी जो जापान की जिस बुलेट ट्रेन की भारत में परिकल्पना की जा रही है आने की वह जो है 54.6 सेकंड में जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रफ्तार पकड़ती है। तो ऐसे में भारत में जो है सेमी स्पीड जिसे कि हम वंदे भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है वो पूरे देश में चलाने की बात कही जा रही है। आगे हम इसी तरह की और भी वीडियो ट्रेन से जुड़े हुए खास करके बुलेट ट्रेन से जुड़े हुए वीडियो हम आपको जरूर अपलोड करेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।